सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य आपका पेपर सेकंड, जिसमें आपके यानी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंधित पूछा जाता है पेपर सेकंड में। और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, यानी इससे संबंधित कैसा प्रश्न आता है इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। तो आर्य भाषाओं से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आता है कि आर्य भाषाओं का परिचय दीजिए, आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए, उनकी विशेषताएं बताइए, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप अच्छे तरह से कर पाएंगे। इसके अलावा आपसे एक और बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि जितने भी वीडियो है वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उनकी अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, इसके अलावा आपके हिंदी कंपलसरी के हैं, यानी पांच विषयों के जो वीडियोज है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अपने इस चैनल का को सर्च करके भी देख सकते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, इस नाम से जब आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक ही टॉपिक से लगभग पांच सात प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उनसे आपको यानी आपके दिशा निर्देश हो जाएंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। और इससे संबंधित आर्य भाषाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न को आप आराम से हल कर पाएंगे, वो भी 20 अंकों वाला, बड़ा प्रश्न हो चाहे छोटा प्रश्न हो। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर ये हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, इसमें नहीं है। आपको अपना टॉपिक देखना है, आपके लिए भाषाओं का इतिहास है तो इसका मतलब आर्य भाषाएं पढ़ी जाएगी या राजस्थानी भाषा पढ़ी जाएगी, यानी जो जहां पर भाषाओं का इतिहास है तो इसका अर्थ है कि आपके वो टॉपिक हैं, उसका जो टाइटल है वो कुछ और हो सकता है। इसलिए हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास की जानकारी होना जरूरी है, और आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में भी है। तो सिलेबस में आपको अपना टॉपिक देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का यानी हमारे यूनिवर्सिटी के नहीं पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे। आपको अपना टॉपिक देखना है, उस टॉपिक में यदि सिलेबस में आपका ये टॉपिक मिलता है तो इसका अर्थ है कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए भी उपयोगी है। तो मैं ये समझता हूं कि इस बात को आप समझ गए होंगे, और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा, अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे देख लेंगे। आज तक का ही नहीं, आगे तक का सफर है वो भी बिल्कुल एकदम अच्छी राह पर चल पड़ेगा, और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से पार कर पाएंगे, अच्छी तरह से निखार सकेंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें देखिए आपके प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे प्रश्न आ गया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए परिचय दीजिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव और विकास क्रम समझाइए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। तो ये सब जो है पूछा गया है, यानी बात यह है आधुनिक आर्य भाषाओं की है, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें लगभग यही टॉपिक काम में लिए जाते हैं। तो अब हम इनका उत्तर लिखते हैं। देखिए इसको इस प्रकार समझाना है, यदि आप कॉपी में इस प्रकार समझा देते हैं तो मैं ये समझता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटता है। सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान काल तक माना जाता है। अब यहाँ आपने ऊपर टॉपिक लिख दिया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, और फिर आधुनिक आर्य भाषाओं में आप कौन कौन सी भाषाओं को लेते हैं, जैसे सिंधी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया, हिंदी, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये प्रमुख है। तो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में है। इसके अलावा देखिए उर्दू, उर्दू जो है भाषा वैज्ञानिक स्तर पर हिंदी की एक अरबी फारसी से प्रभावित एक शैली है। उर्दू की शैली अलग है, उर्दू की जो ये लिपि है वो अलग है, बाकी ये सांस्कृतिक रूप से तो अपनी भाषा ही है, यानी वैज्ञानिक परिवार के आधार पर तो ये अपनी भाषा है। इसके अलावा जैसे राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी, ये है हिंदी के सांस्कृतिक वर्ग की भाषाएं हैं। हिंदी के सांस्कृतिक वर्ग की भाषाओं में राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी भाषाएं आती है। अब हम इनका वर्गीकरण करके देखते हैं। सबसे पहले हर्सले का वर्गीकरण देखते हैं। जो हर्सले हैं, वैज्ञानिक हर्सले ने, उन्होंने वर्गीकरण किया। तो हर्सले ने आधुनिक आर्य भाषाओं को चार वर्गों में रखा है। हर्सले ने कितने वर्गों में रखा है? चार वर्गों में। पहला है पूर्व गोडियन, यानी पूर्वी हिंदी, बिहारी, बंगला, असमी और उड़िया, जिसको पूर्वी हिंदी कह सकते हैं। पूर्वी गोडियन को पूर्वी हिंदी कह सकते हैं, बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया। इसके अलावा उसने रखा है पश्चिमी गोडियन,
भाई हर्षले का हमें देखना है तो पूर्वी गोर्डियन, पश्चिमी गोर्डियन, उत्तरी गोर्डियन, दक्षिणी गोर्डियन, बस तीन चार भाग याद रखने हैं अपने को। और पश्चिमी गोर्डियन में आ जाता है आपने अपने पश्चिमी हिंदी आ जाती है, राजस्थानी आ जाती है, गुजराती आ जाती है, सिंधी आ जाती है, पंजाबी आ जाती है। पश्चिमी हिंदी में आप जानते हैं कौन कौन सी हिंदियां हैं, जैसे कन्नौजी है, ब्रज है, हरियाणवी है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, ये सभी पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, बोलियां हैं। तो पश्चिमी गोर्डियन, उत्तरी गोर्डियन, उत्तरी गोर्डियन में ये गढ़वाली नेपाली ये है जिनको हम अपनी भाषा में पहाड़ी भाषा कहते हैं, और दक्षिणी गोर्डियन जिसे मराठी कहा जाता है। तो ये हर्षले का वर्गीकरण है, हर्षले का वर्गीकरण पूर्वी गोर्डियन, पश्चिमी गोर्डियन, उत्तरी गोर्डियन, दक्षिणी गोर्डियन। अब हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण, क्योंकि हमें भाषाओं का वर्गीकरण देखना है, तो वर्गीकरण देखना है या विकास क्रम देखना है, तो विकास क्रम देखो चाहे वर्गीकरण देखो, इसमें अब विकास क्रम देखेंगे तो भी हमें उसका वर्गीकरण करना होगा। तो वर्गीकरण में क्या करेंगे, अब जैसे मान लो हर्षले का आ गया, हर्षले के बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनका अध्ययन किया, अध्ययन करके और फिर अपना एक मत दिया उन्होंने। एक तो ये तीन वर्ग रखे हैं इसने, बहिरंग वर्ग, मध्यवर्ती वर्ग और अंतरंग वर्ग, ये तीन वर्गों में विभाजित किए हैं। और बहिरंग वर्ग में वो क्या रखते हैं, लहंदा और सिंधी, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया और बिहारी, इनको बहिरंग वर्ग में रखते हैं। मध्यवर्ती को उन्होंने पूर्वी हिंदी में रखा है, पूर्वी हिंदी में जैसे मेवाती, मगही और भोजपुरी, और अंतरंग वर्ग में इन्होंने पश्चिमी हिंदी को रखा है, पंजाबी को रखा है, राजस्थानी को रखा है, गुजराती को रखा है, भील जो भील देश की जो भाषा है उसको रखा है, खानदेशी रखा है, उत्तरी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूरी पहाड़ी नेपाली, ये सारी भाषाओं इनको अंतरंग वर्ग में रखा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तीन वर्गीकरण किया, हर्षले ने चार वर्गीकरण किया है, यानी पूर्वी गोर्डियन, पश्चिमी गोर्डियन, उत्तरी गोर्डियन और दक्षिणी गोर्डियन, और इन्होंने बहिरंग वर्ग, मध्यवर्ती वर्ग और अंतरंग वर्ग, ये तीन वर्गीकरण किया है। अब इनका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया, तो अब पढ़ने के आधार पर हम उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं, कैसे, स्वर श्रेणी, स्वर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती ये आती है। इसके बाद मागधी, बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया मागधी में आ जाती है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आ जाती है जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी आ जाती है। महाराष्ट्र में मराठी आ जाती है। ब्राह्मण में आपके पेशाची, सिंध, लहंदा और पंजाबी ये आ जाती है। तो ये स्वर श्रेणी हिंदी, यानी अपनी जो हिंदी का वर्गीकरण है, हिंदी के वर्गीकरण को पांच भागों में विभाजित किया जाता है और उसमें 18 बोलियों का योग होता है। कितना होता है, 18 बोलियों का योग होता है। तो स्वर श्रेणी में कौन सी आ जाती है, पश्चिमी हिंदी आ जाती है। पश्चिमी हिंदी में अभी आपको बताया था इसमें कन्नौजी आ जाती है, ब्रज आ जाती है और हरियाणवी आ जाती है और बुंदेली आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है, ये सारी भाषाएं हैं। वो किस में आ जाती है, पश्चिमी हिंदी में आ जाती है। राजस्थानी में आ जाती है जैसे मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी ये, और गुजराती में गुजराती है। तो इस प्रकार की ये भाषाएं, इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब हमें कौन सा करना है, अब करना है आधुनिक आर्य भाषाओं की कुछ विशेषताएं। तो सीधा आगे वर्गीकरण हो गया, उसके बाद में आर्य भाषाओं का वर्गीकरण के बाद विशेषताएं लिख लो। विशेषताओं में पहला लिखना है हमें ध्वनि संबंधी, कोई भी किसी भी भाषा की विशेषताएं लिखनी हो तो उसमें एक तो ध्वनि संबंधी, ध्वनिगत, रूपगत, ये दो प्रकार की विशेषताएं उसमें हुआ करती है। तो ध्वनिगत विशेषताएं क्या, ध्वनिगत विशेषताओं में आप जानते हैं स्वर और व्यंजन और उसकी वर्णमाला उससे संबंधित होता है। तो हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ध्वनि संबंधी विशेषताएं क्या है। पहली बात है स्वर संबंधी परिवर्तन क्या क्या हुए थे, यानी जब अपनी जैसे संस्कृत थी, संस्कृत के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत यानी प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में यूं कह सकते हैं कि जैसे पाली आ गई, पाली के बाद में अपभ्रंश आ गई, और अपभ्रंश के बाद में अपनी ये जो आधुनिक हिंदी या अवहट आ गई, अवहट के बाद में ये आधुनिक अन्य भाषाएं जो है वो आ रही है। तो इसमें स्वर संबंधी परिवर्तन क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में ध्वनियां मध्यकालीन प्राकृतों और अपभ्रंशों के समान है। मध्यकाल में जो प्राकृत भाषाएं थी और जो अपभ्रंश भाषाएं थी उनके समान ही है। कई नवीन स्वरों का विकास हुआ है, कुछ नवीन स्वर है वो आ गए हैं, और री का उच्चारण स्वर जैसा नहीं रहा है। अब क्या है कि री को री मान लिया जा मानने लग गए हैं, वैसे री को स्वर माना जाता है। अभी भी अपनी जो हिंदी की जो मानक हिंदी व्याकरण है उसमें री को स्वर ही माना गया है, लेकिन फिर भी
अब क्या है कि री का जो है धीरे 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 क्या है कि इसका उपयोग इस प्रकार होता जा रहा है कि ये धीरे धीरे यानी जो री है वो उच्चारण से हटकर के व्यंजन की तरफ आ रहा है। व्यंजनों में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे मूर्धन्य ड और ढे दो नई ध्वनियां विकसित हो गई है। ये एक तो ड और ढ है वो उसमें नहीं थी, ये दोनों विकसित हो गई है। चे वर्ग का उच्चारण एक सा नहीं रहकर के अलग अलग हो गया। चे का क्या है कि कहीं पर जैसे पश्चिम राजस्थान है चे को से के आधार पर बोला जाता है, कहीं ते और से मिला करके बड़ा बोला जाता है। तो इस प्रकार चे का उच्चारण है वो अलग अलग है। हिंदी में चे जैसे स्पर्शी है, वो मराठी में स्पर्श संघर्षी हो जाता है, मराठी में स बोला जाता है। इसी प्रकार ये जो गे है, ये जिसको हम योग है वो जय प्लस ये से मानते हैं, जय मानते हैं, इसका उच्चारण भी लुप्त होता जा रहा है और वो भी जय गे धे इस प्रकार है वो बनता जा रहा है। ये उसका यदि ध्वनिगत परिवर्तन है या ध्वनिगत विशेषताएं है। इसके अलावा आर्य भाषाओं की शब्दगत विशेषताएं या शब्द परिवर्तन क्या है? देखिए, शब्द परिवर्तन में विदेशी प्रभावश का खा ग फ ज ये उर्दू की ध्वनियां है, यानी के और के नीचे नुक्ता, खे और खे के नीचे नुक्ता, गे और गे के नीचे नुक्ता, फे के नीचे नुक्ता, जे के नीचे नुक्ता, ये जो नुक्ते लगते हैं तो ये नई ध्वनियां विकसित हो गई है। शब्दों के अंतिम दीर्घ स्वर प्राय ह्रस्व हो जाते हैं। आजकल क्या है कि शब्दों में जो अंतिम दीर्घ है वो भी क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। किसमें? आधुनिक आर्य भाषाओं में। और अंत में आने वाला ह्रस्व प्राय ए है वो लुप्त हो जाता है, ए लुप्त हो जाता है। जैसे काम जो शब्द है, काम में ए ऐसे है, लेकिन अपन क्या करते हैं इसको ही पूरा मानते हैं काम, जबकि ये मैं प्लस ए है, ये दोनों है। तो इसमें क्या हो गया कि आजकल जो है अंत में आने वाला जो ह्रस्व स्वर है वो लुप्त हो गया है। पहले काम अ लिखा जाता, काम ए, काम ए लिखा जाता था, और इनका उच्चारण आजकल नहीं हो गया है। प्राकृत में समीकृत द्वित्व व्यंजन में से एक का लोप हो गया है। जैसे पहले काम को कम लिखा जाता था, कम, तो लेकिन अब क्या लिखते हैं, काम लिखते हैं। सत में सै और तय दो होते थे, लेकिन अब क्या है, सात लिखा जाता है। तो ये क्या है, प्राकृत में जो समीकृत द्वित्व व्यंजन थे, द्वित्व मतलब दो बार आ गया, ये नहीं दो बार आ गया, इसका मतलब द्वित्व व्यंजन है। जो द्वित्व व्यंजन है उनका भी लोप हो गया है। कारक में भी परिवर्तन हुए हैं। संस्कृत में 24 कारक है, प्राकृत में 12 है, अपभ्रंश में 6 है, यानी कारकों की संख्या है वो अपने हिंदी में कितने हैं, 8 कारक है। लेकिन भारतीय आर्य भाषाओं में केवल अविकृत और विकृत दो ही रूप रह गए हैं। कितने रूप रह गए हैं, विकृत रूप और अविकृत रूप। रचना संबंधी क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, देखिए, संस्कृत पाली प्राकृत आदि भाषाएं योगात्मक थी। संस्कृत पाली प्राकृत ये भाषाएं कौन सी थी, योगात्मक भाषाएं थी, किंतु आधुनिक आर्य भाषाएं पूर्णतः अयोगात्मक हो गई है। अयोगात्मक आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं वो योगात्मक नहीं है, अयोगात्मक है। योगात्मक का मतलब होता है कि कोई भी शब्द है वो एक शब्द के योग से शब्द बनता है, एक शब्द जो बनता है वो दूसरे शब्द के किसी न किसी शब्द के योग से बनता है। अभी वर्तमान में इस प्रकार की शर्त है वो नहीं रह गई है। आधुनिक आर्य भाषाओं में वचन एक वचन तथा बहुवचन दो ही है। आधुनिक आर्य भाषाओं में एक वचन दो वचन है, लेकिन जैसे एक तो संस्कृत में है तीन वचन है, और भी कई भाषाएं जिनमें संस्कृत में मराठी में यानी ये वचन है वो तीन रखे गए हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में विदेशी शब्दों जैसे तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी का प्रयोग होने लगा। आर्य आर्य भाषाएं जो वर्तमान की आर्य भाषाएं हैं, इन आर्य भाषाओं में अन्य विदेशी शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है। अब जब जैसे मान लो स्कूल शब्द है, स्कूल शब्द है, इस स्कूल शब्द को अपने बड़े बूढ़े सभी जानते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि आप आज आपका बच्चा विद्यालय गया, सभी कहते हैं क्या स्कूल गया कि नहीं गया, चाहे वो कितने ही वर्ष का है। यानी कहने का अर्थ है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन फिर भी अपनी जो भाषा है इस भाषा में इसने इसे ग्रहण कर लिया गया है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण और उसकी विशेषताएं जान ली होगी। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी ये आर्य भाषाओं से संबंधित है तो आपके इसमें से कोई बाहर नहीं होगा, यानी ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पर्याप्त है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।